In the cell, the food is broken down into carbon dioxide and water using oxygen. जो सेल होती हैं वो खाने में जो हमारा हमारे खाने में क्या होता है ग्लूकोज होता है उसको ब्रोक डाउन यानी छोटा छोटा करती हैं और उससे क्या कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में वाटर और ऑक्सीजन का यूज़ करके उसको छोटे छोटे फूड को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटती हैं जिससे क्या निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर व्हेन ब्रेक डाउन टू ग्लूकोज ऑकर्स विद द यूज़ ऑफ ऑक्सीजन इट इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पायरेशन. अब जब खाने को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है यानी ग्लूकोज को जब हम तोड़ने के दौरान जब ऑक्सीजन का यूज़ होता है उस टाइम उस वाले रेस्पायरेशन को हम बोलते हैं एरोबिक रेस्पायरेशन. फूड कैन आल्सो बी ब्रोकन डाउन विथआउट यूजिंग ऑक्सीजन दिस इज कॉल्ड एन एरोबिक रेस्पायरेशन. अब कहना चाहिए कि जब खाना बिना ऑक्सीजन के छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक डाउन करते हैं तो उसको बोलते हैं एन एरोबिक रेस्पायरेशन. ब्रेक डाउन ऑफ फूड रिलीज एनर्जी. अब जब भी हमारा खाना छोटे छोटे टुकड़ों में टूटता है तो क्या रिलीज होता है एनर्जी. अब ग्लूकोज देखिए नीचे ग्लूकोज विद द यूज़ ऑफ ऑक्सीजन यदि ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज टूटता है तो क्या क्या बनता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी. यू शुड नो दैट देयर आर सम ऑर्गेनिज्म सच एज ईस्ट दैट कैन सर्वाइव इन द एब्सेंस ऑफ एयर. अब आपने देखा आप जानते होंगे कि कुछ ऑर्गेनिज्म जो हैं जैसे कि ईस्ट है वो सर्वाइव करता है बिना एयर के. दे आर कॉल्ड एनएरोबिक इसलिए उसको क्या बोलते हैं ईस्ट को एनएरोब्स बोलते हैं. दे गेट एनर्जी थ्रॉट एनएरोबिक रेस्पायरेशन और वो बिना ऑक्सीजन के एनर्जी रिलीज कर होती है उसको. इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ग्लूकोज ब्रेक डाउन इंटू एल्कोहल द कार्बन डाइऑक्साइड एज गिवन बिलो. अब आगे देखिए आप ग्लूकोज है अब बिना ऑक्सीजन के यदि ये ब्रेक डाउन होता है तो क्या क्या बनता है एल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी. एनर्जी दोनों में ही रिलीज होती है बट अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा इसमें और ऊपर बनता है पानी एंड कार्बन डाइऑक्साइड. ईस्ट आर सिंगल कॉल्ड ऑर्गेनिज्म दे रेस्पायर एनएरोबिकली एंड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस यील्ड अल्कोहल. दे आर देयरफॉर यूज टू मेक वाइन एंड बियर. जो ईस्ट होता है वो क्या है अकेला ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो बिना ऑक्सीजन के रेस्पायर सांस लेता है तो इस प्रोसेस को क्या है ईल्ड एल्कोहल कहते हैं. दे आर देयरफॉर यूज टू अब इस ईस्ट का यूज़ कहाँ कहाँ होता है वाइन एंड बियर में. आवर मसल्स सेल कैन आल्सो रेस्पायर एनएरोबिकली बट ओनली फॉर अ शॉर्ट टाइम. जो हमारे मसल्स होते हैं वो भी रेस्पायर करते हैं एनएरोबिकली यानी कि बिना ऑक्सीजन के बट थोड़ी देर के लिए कुछ टाइम के लिए. वैन देयर इज़ अ टेम्परेरी डिफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन थोड़ी देर के लिए करते हैं और उसमें टेम्परेरी रूप में ऑक्सीजन का यूज़ होता है. ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज फास्ट रनिंग. आप 10.1 में देखेंगे कि यदि हम जोर जोर से रनिंग करते हैं साइकिलिंग करते हैं वॉकिंग करते हैं फॉर मैनी आवर बहुत देर देर घंटों तक और हैवी वेट उठाते हैं तो ये हमारा जो बॉडी है वो क्या डिमांड करती है हाई एनर्जी ज़्यादा एनर्जी चाहिए उसको. बट द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस द एनर्जी इज़ लिमिटेड. लेकिन जो ऑक्सीजन है वो क्या लिमिटेड एनर्जी प्रोड्यूस करती है थोड़ी जितनी कम एनर्जी करती है. देन एनएरोबिक रेस्पायरेशन टेक्स प्लेस इन अ मसल्स सेल टू फुलफिल डिमांड ऑफ एनर्जी. बट आप देख रहे हैं ना कि हम जब रनिंग कर रहे हैं बहुत मेहनत कर रहे हैं तो हमें एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत है और जो हम सांस ले रहे हैं ऑक्सीजन द्वारा ऑक्सीजन ले रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं तो उससे क्या है लिमिटेड एनर्जी मिलती है और हमारी मसल्स को ज़्यादा चाहिए एनर्जी. तो वो मसल्स क्या होते हैं बिना ऑक्सीजन के कुछ देर के लिए थोड़ा सा रेस्पायर कर लेते हैं. ग्लूकोज है मसल्स का आप देखते हैं. एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी क्या बनेगा लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी बनती है. हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई यू गेट मसल्स क्रैम्प्स आफ्टर हैवी एक्सरसाइज. आपने देखा होगा आपको देखकर आश्चर्य होता होगा कि जो हमारे हैवी एक्सरसाइज कर करके मसल्स हो जाते हैं ना वो
कुछ अलग अलग टाइट टाइट से हो जाते हैं, क्रैम्प्स टाइप के हो जाते हैं क्या? द क्रैम्प्स ऑकर वैन मसल सेल रेस्पायर एनएरोबिकली। ये किस टाइप कैसे होते हैं? ये एनएरोबिकली यानी कि बिना ऑक्सीजन के रेस्पायर कर कर इस टाइप के हो जाते हैं। द पार्शियल ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज प्रोड्यूस लैक्टिक एसिड। और ये क्या करता है, जो ग्लूकोज हमारी बॉडी में है, मसल्स में जो ग्लूकोज है उसका, वो कैसे टूटता है? लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी, और जो एनर्जी मिली हमारी बॉडी यूज कर लेती है और बना क्या, लैक्टिक एसिड। द एक्यूमिलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड कॉसेस मसल्स क्रैम्प्स। और ये जो लैक्टिक एसिड है ना, वो मसल्स को क्रैम्प्स बना देता है। वी गेट रिलीफ फ्रॉम क्रैम्प्स आफ्टर अ हॉट वाटर बाथ ऑफ अ मसाज। और ये जो क्रैम्प्स से बन जाते हैं, उनको गर्म पानी से नहाने से या मसाज करने से ये रिलीफ मिलता है इनसे। कैन यू गैस वाई इट इज़ सो। क्या आप गैस कर सकते हो कि ये कैसे होता है, क्यों होता है? हॉट वाटर बाथ और मसाज इम्प्रूव सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। जो गर्म पानी होता है उससे हम नहाते हैं या आप मसाज करते हैं तो हमारे बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन है वो इम्प्रूव होता है। एज अ रिजल्ट द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द मसल सेल इंक्रीज। और इसका रिजल्ट क्या होता है, हमारे बॉडी में ऑक्सीजन का जो मसल्स ऑक्सीजन जो मसल सेल्स इंक्रीज करते हैं, सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन जो हमारी ऑक्सीजन का सप्लाई हो रहा है वो मसल सेल्स में ज़्यादा होता है, इंक्रीज़ कर लेती हैं वो ऑक्सीजन को। द इंक्रीज इन अ सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन रिजल्ट इन द कम्प्लीट ब्रेक डाउन ऑफ लैक्टिक एसिड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। और ये जो ऑक्सीजन आता है हमारे मसल्स में वो ग्लूकोज को तोड़ कर लैक्टिक एसिड एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में चेंज कर देता है। थैंक यू बच्चों। प्लीज़ हमारी वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करना ना भूलें। कमेंट कर ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।